नमस्कार, मैं सुनीता आपका इंडियन कुक में स्वागत करती हूँ। आज मैं मैंगो फ्रूटी को घर पर कैसे तैयार करते हैं ये सिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान है, इसे आप घर पर झटपट तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाले हो तो इसे पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दें और मेहमान के आने पर सर्व करें। इसके लिए आप दो पके हुए आम इस साइज के लिए, एक कच्चा आम छोटा साइज, एक कप चीनी और एक लीटर पानी। अब सबसे पहले आप आम को छील ले। मैंगो फ्रूटी बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। मार्केट में मिलने वाली मैंगो फ्रूटी को ज्यादा दिनों तक रखने के लिए कुछ केमिकल डाले जाते हैं। आप घर पर बच्चों को मैंगो फ्रूटी बनाकर दें जो ताजी भी होगी और सेहतमंद भी। आम छील चुके हैं, इसे इस प्रकार टुकड़ों में काट लें। इसी प्रकार दूसरे आम को भी छीलकर काट लें। अब कच्चे आम को भी छीलकर इसे भी टुकड़ों में काट के रख लेंगे। छिलके और गुठली को हम फेंक देंगे। अब चूल्हे पर एक पतीला रखें और उसमें लगभग एक गिलास पानी डाल दें। उसके बाद पहले कच्चे आम के टुकड़ों को डालें, उसके बाद पके हुए आम के टुकड़ों को डाल दें। हम कच्चे आम को नीचे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पके हुए आम पहले ही सॉफ्ट हैं। हमें कच्चे आम को अच्छे से पकाना है। आम के सारे टुकड़ों को डालने के बाद इसे ढककर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पका ले, जिससे कि कच्चे आम अच्छे से मुलायम हो जाए। अब दूसरी तरफ चूल्हे पर एक बर्तन रखें और उसमें बचे हुए पानी को डाल दें। उसके बाद इसमें चीनी डालकर चीनी के घुलने तक इसे पका ले। हमें चीनी की एक तार या दो तार की चाशनी तैयार नहीं करनी है, इसे आप हिलाते रहे। जब चीनी पूरी तरह पानी में घुल जाए गैस को बंद कर दे और इसे ठंडा कर ले। लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब आम को चेक कर लेते हैं कि कच्चे आम मुलायम हुए हैं या नहीं। ये देखिए, मैं कच्चे आम को निकालकर चम्मच की सहायता से इसे दबाकर देख रही हूँ। ये आसानी से दब रहे हैं, इसका मतलब है कि आम पक चुके हैं। अब गैस को बंद कर दे और इसे ठंडा कर ले। आम के पल्प के ठंडा होने के बाद एक जार ले। जार में उबले हुए आम को पानी सहित डाल दे और इसका स्मूथ पेस्ट बना ले। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना है, इसमें कोई गांठे नहीं है। अब हमने जो चीनी और पानी के शरबत बना के रखी थी उसे लेंगे और इसमें आम के पेस्ट को डालकर अच्छे से मिला ले। अच्छे से मिलने के बाद हमें इसे छानना है। इसके लिए आप एक बर्तन ले और मोटी वाली छलनी, इसमें आम के शरबत को डालकर छान ले। अब बाकी बचे हुए आम के पेस्ट को भी इसमें मिला दे और चम्मच की सहायता से पूरे आम के शरबत को इस प्रकार हिलाते हुए छान ले। अब जार में एक कप पानी डालकर हिला ले और उसे भी छान ले, जिससे कि इसमें मौजूद रेशे छन जाएं। अंत में छलनी में रेशे बच जाएंगे, इसे फेंक दें। ये देखिए, मैंगो फ्रूटी बन चुकी है। इसे आप एक बार और छान लें। इसके लिए आप एक जग ले और छलनी से इसे इस प्रकार छान लें। मैंगो फ्रूटी को आप कम से कम 2 से 3 बार छानें, जिससे कि इसके बारीक रेशे भी निकल जाए। अगर इसे आप और पतला करना चाहते हैं तो इसमें चीनी और पानी का घोल आप डालकर इसे और पतला कर सकते हैं। फ्रूटी बन के तैयार है। फ्रूटी अगर चिल्ड ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद ही सर्व करें।
3 से 4 घंटे के बाद इसे फ्रीज से निकालकर ग्लास में डालें और सर्व करें। और ध्यान रखें, इसमें आइस क्यूब आप नहीं डालें, नहीं तो फ्रूटी का टेस्ट खराब हो जाएगा। आप इसे घर पर बनाकर जरूर देखें, उसके बाद बच्चे इसे बार बार बनाने की जिद करेंगे और मार्केट वाली फ्रूटी को तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।